पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन आलमी मीडिया में इनकी सखावत का चर्चा है। आलमी जरीदे एशियन वर्ल्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से दुनिया में खैरात करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तानी कौम अपनी जीडीपी का 1.4% खैरात करते हैं, जो कि 240 अरब रुपए बनते हैं। दुनिया में ये सबसे ज़्यादा शरा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात पाकिस्तान में की जाती है। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक 67% पाकिस्तानी खुद अपने हाथों गुरबा मसाकीन को अमदाद फराहम करते हैं, जबकि 33% जो लोग हैं वो खैराती इदारों को अपनी ज़कात सदकात वगैरह दे देते हैं। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और इसमें ज़कात फितराना और सदकात की सूरत में दुनिया में सबसे ज़्यादा अमदाद दी जाती है, और इस हवाले से आलमी मीडिया भी इसका कायल है। हालिया बहरान के दौरान भी आलमी मीडिया पे इस चीज़ का बहुत चर्चा रहा कि पाकिस्तानी कौम खुद से ही खैराती सरगर्मियों में मसरूफ़ है। वो चाहे खुद से राशन पहुंचाना हो लोगों तक, उनको किसी भी किस्म की ज़रूरियात पहुंचानी हो, पाकिस्तानी कौम इस हवाले से भरपूर सरगर्मी दिखा रही है। मुल्क के 72% जो लोग हैं वो रमज़ानुल मुबारक में खैरात करते हैं। ये भी एक रुझान है कि रमज़ानुल मुबारक में, क्योंकि दीनी जज्बे के तहत ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए पाकिस्तानी अपनी ज़कात और सदकात ज़्यादातर रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं। ये एक बहुत हौसला अफजा रिपोर्ट है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे अमीर मुल्क नहीं है, ये एक तरक्की पज़ीर मुल्क है। यहाँ की आवाम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, और पाकिस्तान के 45% लोग ऐसे भी हैं जो $2 से भी कम दुनिया में कमाते हैं, यानी वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम के 90% से ज़्यादा लोग किसी न किसी सूरत में खैरात ज़रूर करते हैं, और अपने GDP के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा शरा जो है खैरात करने वालों की वो पाकिस्तान की है। ये हमारी कौम के लिए एक एजाज़ है, और ये पाकिस्तानी कौम के एक ज़िंदा मिसाल है कि किस तरह ये हर मुश्किल वक्त में अपने भाइयों का, अपने साथियों का, अपने ख़ानदान वालों का, अपने करीबी लोगों का साथ देते हैं। हमारे यहाँ मीडिया बहुत सी मनफी सरगर्मियों को तो प्रमोट करता है, उन्हें हाईलाइट किया जाता है मीडिया पर, लेकिन इस किस्म की जो पाकिस्तानी कौम के बारे में मुस्बत चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया को पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा भी पता चले।